हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो आ जा। सबसे पहले हमें ऑयल खोलने के लिए गाड़ी के नीचे जो ऑयल चैम्बर है इस पर T45 का एलिंगी लगेगा खोलने के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम लोग ने T45 का एलिंगी लिया है चैम्बर का ऑयल नट खोलने के लिए। तो दोस्तों, चैम्बर का नट खोलने के लिए आपको ध्यान से खोलना होगा, क्योंकि कई बार ये चैम्बर का नट स्लिप हो जाता है तो फिर इसको खोलने के लिए बहुत परेशानी होती है और कई बार हमें ऑयल चैम्बर पूरा खोलना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, जब तक ऑयल ड्रेन हो रहा है तब तक हम ऑयल फिल्टर चेंज कर लेते हैं। अभी हम ऑयल फिल्टर खोलेंगे। ऑयल फिल्टर खोलने के लिए हमें 27 का बॉक्स पाना लगेगा। ये ऑयल फिल्टर है। दोस्तों, ऑयल फिल्टर चेंज करने के समय ये जो ओरिंग है वो हमेशा चेंज करना ज़रूरी है। अगर ये ओरिंग हम चेंज नहीं करेंगे तो ऑयल फिल्टर के यहाँ से ऑयल लीकेज होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ओरिंग को देख लीजिए बरोबर बैठा है कि नहीं। अगर बरोबर ओरिंग बैठा नहीं होगा तो फिर भी ऑयल लीकेज होने का चांसेस हो सकता है। ऑयल फिल्टर में भी दो ओरिंग होता है, उसमें भी इंस्टॉल करने के पहले उसमें ऑयल लगा दे, ताकि वो फिटिंग का होने के टाइम पे रबर टूट ना जाए। ओरिंग में ऑयल लगाने से ऑयल फिल्टर का कैप भी अच्छे से फिट होता है और रबर कटने का चांसेस भी कम हो जाता है। ऑयल फिल्टर का कैप टाइट होने के बाद उसे अच्छी तरह से साफ कर ले, ताकि हमें ऑयल लीकेज का पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, ऑयल फिल्टर हमारा चेंज हो गया है और हमारा ऑयल भी पूरा ड्रेन हो चुका है, तो हम चैम्बर का नट वापस से लगा देंगे। चैम्बर का नट टाइट करते समय भी ध्यान रखें कि ये टेढ़ा ना हो, वरना स्लिप हो सकता है। और उसके बाद यहाँ नट के आजू बाजू से भी पूरा क्लीन कर दे, ताकि हमें ऑयल लीकेज का पता चल सके। यह हमारा ऑयल फिलर कैप है, यहाँ से हमें ऑयल डालना है। दोस्तों,
मारुति स्विफ्ट डीजल कार में 3.5 लीटर ऑयल बैठता है। तो एक जगह पे पकड़ना है तो फिर से ऑयल डालते डालने के बाद हमें ऑयल लेवल चेक करना है इसका। डिपस्टिक में ऑयल लेवल सेकंड पॉइंट जहाँ पे उंगली दिखा रहा हूँ वहाँ तक होना चाहिए। अगर वहाँ तक है तो आपका ऑयल लेवल बराबर है। ऑयल अच्छा रहा। उसके बाद ऑयल का कैप अच्छी तरह से फिट करने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके हमें ऑयल लीकेज चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेंबर से चेक कर लेंगे कि हमारा ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा। जैसा कि आप देख सकते हो चेंबर से ऑयल लीकेज नहीं है। तो उसके बाद ऑयल फिल्टर से भी हमें चेक करना है। ज़्यादातर तो ऑयल फिल्टर से ही लीकेज होता है, तो हमें 5 से 10 मिनट तक गाड़ी स्टार्ट करके ऑयल लीकेज चेक करना है। अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।